तो ये पैंडेमिक के पहले तो चेस नहीं था YouTube भी नहीं था नहीं था ठीक है आप पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई मजा आ गया पैंडेमिक में भाई मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है पर मैं तो यार मैं तो वेट करता हूं अगली वेव का भाई <laughs> तो ट्रेजेडी आई वाज एक्चुअली ग्रेट फॉर मी बट आई आल्सो गिव इट बैक ऐसा नहीं। हां बढ़िया कोविद चैरिटी स्ट्रीम वगैरह की हाँ, है हां चैरिटी आई आल्सो लाइक अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीम्स मैं पर्सनली भी आई हैव माय ओन वेज ऑफ डूइंग चैरिटी लेट्स से आई कोई भी ऑटो वाले को ना मैं कभी उससे चेंज वापस नहीं लूं 20 रुपए हुआ है आई गिव हिम 50 एंड आई आस्क हिम टू कीप इट एवरी डे आई डू इट फॉर डिलीवरी बॉयज आई गिव देम एक्स्ट्रा मनी एवरीवेयर आई कैन डू माइक्रो चैरिटीज आई डू आपके केस में तीन मेजर टर्न्स होंगे जैसे बीसीएडी होता है ना yeah. वैसे एक हो गया बिफोर कॉमिक्स हाँ after आफ्टर कॉमिक्स डन एंड आफ्टर पेंडम आफ्टर पेंडम ठीक है यस तो सबसे पहले बताओ बिफोर कॉमिक्स डन पैसे वैसे कमाते थे और कैसे कमाते थे सो इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज ओनली नो आई वॉज अर्निंग नथिंग बट आई वॉन्टेड टू तो इन सेकंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई कमाया उस टाइम पे तो उस टाइम पे मैं स्पेशली इन माई कॉलेज जहाँ पे एकदम ही गरीबी की है पढ़ाई नहीं की मैंने तो कॉलेज में जाके क्या करते थे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग उसमें क्या होता है कुछ नहीं होता उसमें उसमें <laughs> होता ही <है> नहीं कुछ <laughs> तो क्या करते थे बाकी टाइम यही सब करता था दोस्तों के साथ घूमता था यू नो हैव अ लॉट ऑफ फन इन कॉलेज लाइक भाई फुल नशे का गया कॉलेज लाइफ वाज फुल ऑफ यू नो लाइक आई डोंट रिमेंबर माय थर्ड ईयर उस टाइम पे महीने में कितना नशे में जाता था

भाई like, अभी ये बड़े-बड़े लोग के लिए मैं open कर रहा हूँ मेरे लिए तो तो भाई है है इन को देख के तो मैंने सीखा है ah. ये उपमान्यू आता था कभी, कभी गांगुली आता था तो इन सब के लिए मैं पुणे में करने लग गया फिर अनिर्बान रियली लाइक मी तो अनिर्बान सजेस्टेड मी टू कैनवस लाफ क्लब वो भी बंद हो गया एक तो yeah. जा रहा है दो ही लोग कामिकस्तान में जीते कितना मिला था

सबके साथ और मुझे लगता था बहन चो तो इतना पैसा आ रहा है तो, भाई, के, के, परसेंट है तो फिर लगता था यार हमने तो उड़ा दिया ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बहन ये सब चीजें स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे हाँ। ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है कैसे जी होता है तो मुझे माँ कसम भाई इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जी क्यों है भाई आपने मुझे हायर किया आपने मुझे देने हैं पैसे आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस दस रुपए दिया आपने मुझे ठीक hmm. है अब आपका वो दस रुपए मैं दूंगा सरकार को yes. आप सीधे सरकार को दे दो ना मैं क्यों दू सरकार गूगल पे पे रिक्वेस्ट तो करे सही बात है क्या मैं ही बैठा हूँ अभी लगे पड़ा हूँ जीरो, जीरो, टू जीरो कर रहा हूँ अबे मैंने गलती कर दी क्या पैसा कमा के आपका कोई एडवाइजर है एक करा दिया था भाई क्यों ऐसा क्या हुआ मेरे सीए कहती थी कुछ भी तो एक्सपेंडिचर करेगा ना उसका फोटो लेके ग्रुप में भेज दिया कर okay. तो फिर मैं जाता हूँ गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए बिल आता है खाने का फिर मैं बिल की फोटो ले रहा हूँ तो उसको लगता है क्या चीप आदमी है भाई <laughs> ये बाद में गिनाएगा क्या मेरे को ये तो कहते छोड़ छोड़ मैं ही कर देती हूँ पे मैं नहीं यार वो सीए के लिए है नो नो इट्स ओके इट्स ओके फिर लड़ाई हो जाती है उस पे फिर तो 2018 कॉमिक्स स्टैंड था 2018 से 20 आप कैसे पैसे कमाए जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आया था मैं ना अब तक ठीक है तो 20 एल से कम था तब हां ठीक है अच्छा अरे बहनचोद इतना एकदम डाइसेक्ट कर लिया इसने ये जो हैबिटेट वगैरह में होता है उसमें क्या सिचुएशन है उसमें भी वही सिचुएशन है अब हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट ₹500 की टिकट है कितना हो गया वो ₹20000 ₹20000 में 30% दे दो तुम हैबिटेट को ठीक हो गया वो वो हो गया अपना हो गया चलो बारह हजार रुपए हो गए चौदह हजार रुपये टोटल उस उसमें पहले पांच परसेंट तुम बुकमे शो को दो वो गए एक और हजार रुपए निकल गए ठीक है तो अब जो बचा वो तुम्हारा लेकिन द थिंग इज द हैबिटेट शोज आर नॉट फॉर अर्निंग मनी दोज इज फॉर अर्निंग टाइम एंड होनिंग योर मटेरियल फॉर द बिगर शोज एक्सपेंसेस बताओ फिर मेरे उतना है घर का रेंट है हाँ। लाख रुपए मैं रेंट देता हूँ अकेले रहते हो अकेले रहता हूँ सही है हरे राम जी है मेरे साथ ठीक है ठीक है।, है उनका रहता है जो भी ठीक है एंड आई अड ऑफ मनी होम पेरेंट्स वर्किंग विच इज वाई वुड नॉट आई वु नाउ Like, oh, nice. so, that that yes. wow. स जो, selfish, selfish, selfish like, जो बोलते हैं ना वो मेरे को लगता है, लगता है. अब वो मैं, पर मुझे रियल है अच्छा। पर यार पैसा कमाना तो जरूरी है भाई लाइफ में बहुत जरूरी है जो बोलता है ना पैसा डजेंट मैटर मनी कांट गिव हैप्पी वो सब छूते आप है मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द पर्पज द पर्पस नॉट बी एनीथिंग मटीरियल बट मनी इज अमेजिंग इट्स अ कमोडिटी टू रीच योर पर्पज मोर कम्फर्टेबली बट द पर्पस टू बी समथिंग दैट्स इम मटीरियल लेट्स से माई पर्पज इज कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं दुनिया घुमाऊँ और मैं और मैंने देखा है उन्होंने मुझे कैसे पला बड़ा किया है कैसे उन्होंने लोन ले लेके मुझे स्कूल में अच्छे स्कूल में बड़ा है hmm. तो भाई मेरा फर्ज बनता है भाई कि मैं ये सब अपना छोड़ के उनको दुनिया घुमाऊं उनको दिखाऊं तो माय एंटायर पर्पस इज राइट नाउ माय पेरेंट्स एंड माय हेल्थ तो अभी आई टक देम टू दुबई एंड आई गॉट देम अ फिटनेस ट्रेनर नाइस माय मॉम हैज ऑस्टियोपोरोसिस तो हर बोन्स आर होलो They uh, they get, they keep getting द गेट द कीट अपन ऑल वो सब हो गया था तो मैंने अभी उनको ट्रेनर लगा के दिया nice. uh, and वो लोग अभी ऐसा मेरी माँ कर रही है ना मैं आपको वीडियो भेजूंगा आप इस पर लगाना

And when yeah, I yeah. Took, took them to Dubai also, no, I could see that they were very proud of me and they were very happy. The moments that we shared in that swimming pool together were way beyond any comic stand, beyond any fucking show that I've killed, beyond anything, bro. Because all this is fucking temporary. So I did like personal goals were pe endless. So for me, true happiness is in relationships and in family. What, Seto, on an average, how much do you spend on uh, traveling every month? I don't को लगता है ऐसा कि अगर मैं खुद के ट्रैवल पर मनी डाउं तो इट्स को उससे आई एम का मेरे साथ मेरी पार्टनर हो या मेरे पेरेंट्स हो या कोई ऐसा हो जो मेरे से बहुत क्लोज हो और वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है ना तो मेरे को तब वर्थ इट लगता है वो तो खुद पे ज्यादा खर्च हो ही नहीं पाता है मैं कर ही नहीं पाद पे बेसिकली ऐसा कि ए सी वाला एक अच्छा कमरा चाहिए कम्फर्टेबल चाहिए खाना टाइम पे चाहिए हाँ बाकी कुछ है ही नहीं एंड ये जो भी है ना ये भी इसलिए है जैसे काम की चीजें हैं वो मेरे को लगता है, उस पे स्पेंडिंग मनी, या है, है या। अगर आप तीस चालीस हजार का माइक खरीदोगे द रीजन इज नॉट कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, हाँ. रीजन है कि मैं जैसे ही ऑन का बटन दबाऊंगा वो नेवर सी मी वेयरिंग लाइक अ क्रेजी ब्रांड का शर्ट और, निकर और मेरे को तो वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है भाई नेवर सी मैंने एक बार एक जूता लिया था सत्रह हज़ार रुपए का मैं अभी तक उसको यूज नहीं करता हूँ कि क्यों ले लिया मैंने कहाँ स्पेंड करते हो आप आई हैव माई फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम उस पर मैं स्पेंड करता हूँ अराउंड आई ओके देर इज अ थेपिस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर सेशन वो यूजेंड चार्ज करती है बट फॉर कॉमेडियन शी टेक्स लेस बिकॉज शी नो कितना काम बेचारे कितना इनको जरूरत है इसका वेरी नाइस ऑफर उसके अलावा हेल्थ में और क्या है बोलो और तो मतलब ये प्रोटीन वोटी लेते हो ना, ना, ना। कुछ नहीं खाना नौर्मल खाना। नौर्मल खाना और ये आप जो बोल रहे थे यू आर वेरी कुछ तो करना पड़ेगा इसका आजकल तो लोग बॉडी शेम भी नहीं करते फिर मैंने खुद को ही करना शुरू कर दिया और मेरे साथ हुआ भी एक दो कारण ना फिटनेस ट्रेनर ने स्कैम किया था मैंने थर्टी सेवन डेज और पता है एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं थी मैं उसको पे नहीं करता था ना क्योंकि उसके साथ मेरा मॉडल लिया था प्रवीण के साथ कि मैं उसके साथ फिटनेस करूँगा और वो कंटेंट बनाएगा मेरे साथ तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा हाँ। पर फ़ायदा सिर्फ उसका हुआ तो फिर मैंने अब क्या किया अब मैंने बोला मैं एक ट्रेनर को पैसे दे देता हूँ तो अगर मैं हर महीने उसको पैसे देते दे रहूंगा कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा मिडिल क्लास मेंटालिटी कि पैसा दे रहा है तो करना पड़ेगा अभी हजार लगेगा और खाते टाइम लगेगा कि की जो तीस हजार रुपये जो दे रहा हूं मैं तो कब से कितने टाइम से शुरू किया और इफेक्ट आया इफेक्ट इफेक्ट आया ब्रो तो काफी आया ओके बट आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है ना मेरे पेरेंट्स भाई इतने फिट हो चुके हैं Uh, और वो लोग जो चीज़ें कर लेते हैं अभी लाइक like मेरे को शर्म आती है यार मैं प्लैंक जब करता हूँ ना जब एक मिनट में मेरे पैर ऐसे होते हैं मेरे को माँ याद आती है कि ओवरऑल ऑन अ मंथली बेसिस पेरेंट्स और आपको हाउ मच डू एंड अप स्पेंडिंग आई सेंड मनी होम रेगुलरली यार ऐसे मैं पता नहीं हाउ मच आई आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली बट आई आई गिव मनी होम एवरी मंथ एंड आई स्पेंड मोस्टली ऑन फिटनेस एंड ट्रेवल के लिए आई है एफ डी करके मैंने बनाया जिसमें क्या शौक है मेरा शौक चेस है भाई ठीक है चेस खेलने में स्टैंड करने में बहुत मजा आता है इन फैक्ट आई एम रियली लकी टू बी ऑफ दो गज नॉट डिपेंड ऑन स्टैंड फॉर मनी कि मेरे पे प्रेशर नहीं है स्टैंड अप करने का मैं बहुत मजे से स्टैंड अप करता हूँ hmm. मेरे को मजा आ जाता है लाइक टू हियर स्टैंड अप टू हियर अ नाइस जोक मेरा दिन बन जाता है उससे huh. कि भाई मैं पूरा दिन सोचते रहता हूँ फिर उस जोक के बारे में कि आज जोक सुना लिया यार उसने ट्रू एंड वही है ना कि आप बिकॉज यू डिड रियली गुड इन द लॉकडाउन नाउ यू कैन फोकस ऑन थिंग्स विच यू रियली लव लाइक स्टैंड अप हो गया चेस हो गया इट माइट पे यू लेस बट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट प्रोसेस या या एंड चेस uh, तो मैं अभी स्ट्रीम uh, नहीं करता हूँ पर मैं खेलता रोज हूँ यार इनफैक्ट मैं अपने चेस के पीक पे हूँ अभी आई वॉज एटीन हंड्रेड एज ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इफ यू हैव इफ यू अर्न हंड्रेड रुपीज कितना परसेंट चेस से आता है ब्रांड डील से आता है स्टैंड अप से आता है चेस से तो अभी कुछ नहीं आ रहा फॉर ब्रांड्स देर इज ब्लॉग्स एक okay. आध बार मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसमें ब्रांड डिग्रेशन कर देता हूँ परसेंटेज कितना होगा अगर सौ रुपए कमा रहे तो परसेंटेज कितना होगा ब्रांड्स में जीरो हो गया चेस का जीरो हो गया

खर्चे like की आने ही वाला है ऐसा था? तब भी नहीं थे भाई खर्चे कहाँ थे मेरे बस वही रेंट तब, तब तो रेंट भी वहाँ का भाई पुणे में मैं डुप्लेक्स में रहता था भाई थर्टी थाउजेंड रुपीज रेंट में भाई वाहन तो स्ट्रीमिंग ही करते होंगे मैं तो भाई कसम में माँ कसम कह रहा हूँ there I, there was good 6 months where i didn't leave my floor you were only playing and only streaming, playing thing. streaming going to my bedroom eating fucking junk mcdonalds kha raha chicken nugget dawa rahe ho biryani kha rahe ho stream इधर 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 में ही था भाई मैं उसी टाइम पे कितना weight gain किया था बहुत कर दिया था bro 107 हो गया था भाई

आज दस घंटे स्ट्रीम कर लिया क्या अभी कल मर गये, मर गए गए वाला सीन था उसमें तो पैसे खर्चे करने का सब कुछ सेव ही करता था मेरा पास रेंट जाता था और मैं कुछ खाने जाता था वो तो वही होता था आई डोंट है कार आई डोंट है माई पेरेंट्स द ओनली चाइल्ड तो अगर ट्रेनर में रोक दू उनका तो आई थिंक मेरे पास आ ही जाएगा वो हाउस <laughs> तो like, थोड़ा डार्क है पर मेरे को लगता है घर खरीदने की मेरे को जरूरत नहीं है okay. I just to wait. इसके पहले पहले 2020 के पहले, कभी आपसे <laughs> मतलब तो तो आप बात करी थी थिंक तो आपने हाँ. मुझे कहा था 2 साल का खर्चा तेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए आज तक वही है वही चल रहा है तो मेरा एफडी मैंने बनाया एफडी में मैंने इस तरह इतने पैसे डाले हैं कि कल को भगवान ना करे कुछ हो सक कुछ भी हो सकता तो तो है लाइफ में एनीथिंग एन हैपन तो आई नीड टू हैव इनफ मनी कि इमीडिएटली मैं उसको लिक्विड करके इलाज करा सकूं माँ का पापा का मेरा जिसका भी जरूरत है म्यूचुअल फंड हर महीने एस आई जाती है ठीक है वो जो एक चीज है कि आपने मेरी एफडी वाली बात तो सुन ली ठीक है बट अभी अपनी दो तीन हफ्ते पहले बात हुई थी और आपने बोला कि मैंने हजारों म्यूचुअल फंड हजारों स्टॉक अलग अलग दोस्तों ने जो बोल, जो जो बोल टिप देते थे आप सब मैं सब मैं ले लेता था था भाई भाई मुझे था? कोई बोलता क्योंकि मेरा खर्चा ही नहीं था ना कुछ ना अभी तक है मेरा खर्चा बस रेंट है और हरे राम जी है और फिटनेस है भाई बाकी और घर पे बेचता हूँ खर्चा हाँ। नहीं है कुछ ऐसा क्रेजी नहीं है कुछ खर्चा ना yeah. मेरे को शौक है उसका तो मेरा सारा पैसा जो भी था ना मेरे को वो वाला चढ़ा था मैंने कहीं तो पढ़ लिया था इन्वेस्ट इन योर ट्वेंटीज एंड इन योर थर्टीज ये मैथ मैंने भी करवाया था तो मैंने कहा सब इन्वेस्ट कर देते हैं हाँ। तो अब मुझे पता नहीं था शुरू कैसे करना है राइट right? किसी ने स्कूल भाई स्कूल में सिखाओ यार ये सब यार फिर मुझे कोई कहीं पे मैं पढ़ता था ग्रोथ uh, में ये डाल दो म्यूचुअल फंड हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो रिटायर रिच पोर्टफोलियो सेव नाउ बाय योर लग्जरी ड्रीम कार पोर्टफोलियो जिसमें डालो पांच पांच हजार रुपए हर महीने डाल दो तो ऐसे मैंने पचास चीजों में डाल दिया था पचास म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग खरीद क्योंकि किसने मुझे कहा था डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो तो मैंने कहा मुझे जो ऐप दिखेगा मैंने लाइन से ऐप में इंस्टॉल किए इन्वेस्टमेंट 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 ग्रो पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं ई टी मनी पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं अभी तो आई कैन जस्ट कीप टेलिंग यू जीरो पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं और फिर मुझे आपने बोला था कि ये सब चीज़ें एक ही है तो अब मैंने बेसिकली क्या किया है मैंने अपना सारा म्यूचुअल फंड खारिज कर दिया है आप मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहाँ डाल दूंगा वो तीन चार म्यूचुअल फंड तीन चार म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा एस आई शुरू कर एस आई शुरू कर दूंगा तो अगर मैं दस साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ हर महीना तो आफ्टर टेन ईयर्स विल आई रीच अ पॉइंट कि जब आई एम ऑफ सेटिंग माई क्रिप्टो लॉसिस उसके लिए वही डिपेंड करेगा ना कि आपने क्रिप्टो में उतना ही डाला जितना इक्विटी में डाला है मैंने क्रिप्टो में बहुत डाल दिया भाई इक्विटी से ज़्यादा डाला है मैंने फिफ्टी फिफ्टी डाल दिया ब्रो भाई भाई मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करी है और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज भी करी है।, है और दोनों के पीछे एक इंसान का नाम है वो है तन्मय भट्ट तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडमिक शुरू होने से तीन दिन पहले उसने मुझे कहा था भाई अभी के अभी अलगैटो ले ले अलगैटो से स्ट्रीम होती है पैंडमिक हाँ। होने वाला है फिर मिलेगा नहीं बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ वो बंदे ने लाइफ बदल दी वो डिसीजन वो बस एक फोन कॉल से उसने मेरे को सब हुआ। पर फिर उसी इंसान ने मुझे बोला भाई क्रिप्टो में डाल भाई <laughs> और मेरा क्या माँ चुदी दीवा डाल के पैसा भाई तो मैंने डॉज कॉइन खरीद लिया था तो डॉज कॉइन सबसे बड़ा होल्डिंग है आपका नहीं इनफैक्ट डॉज कॉइन में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना है Okay. मैंने मैंने था 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 वो तीन का ठीक ठीक है है में बेचा था. है. पर मैंने एक ही था <laughs> 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 मैं अपना अच्छा। क्रिप्टो का okay. ना पोर्टफोलियो जब देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम देख रहा हूँ oh, wow. कि वो चली गई है किसी के साथ अभी एकदम चुदा पड़ा है सब मैं अभी भी आस ला के बैठा हूँ नहीं नहीं आएगी वापस आएगी मैं तो भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बोलते ना क्रिप्टो के प्रॉफिट पे सरकार तीस परसेंट ले लेगी यस yes. मैं कह रहा हूँ सरकार तुम मेरा हंड्रेड परसेंट ले अच्छा ओके ओके वो भी है okay. तो आपने सबसे ज्यादा क्या खरीदा है क्रिप्टो में मैंने खरीदा है इथेरियम खरीदा था मैंने ठीक है ठीक है बिटकॉइन खरीदा था ठीक है और किसी ने मुझे कहा था भाई लैंड खरीद वर्चुअल लैंड माना माना खरीद लिया था था मैंने क्योंकि उसने कहा था कि हाँ पे जमीन बनेगी, फिर फोमो हो गया मेरे को कुछ गलत ना मैं मिस ना कर दू मैंने ली जमीन ओ, ओ बोसड़े हो गए जमीन के भाई अभी उधर ना कुछ निकला उस जमीन से और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मैं कितना बड़ा बेवकूफ था ये सोच के कि मैं असली जमीन ही खरीद लेता मैं। अब इन्वेस्ट क्यों करते हो आई एम वेरी क्यूरियस क्योंकि मेरे को फियर है कि भाई मैं कुछ मिस आउट नहीं तो नहीं कर रहा हूँ ना मैंने एन एफ टी खरीद लिए थे भाई हाँ। किसी ने मुझे कहा था ये बंदर खरीद ले ये बंदर खरीद होल्ड कर फिर ये बंदर अंडा देगा फिर वो अंडे से और एक बंदर निकलेगा फिर वो अंडा देगा तो तो वो इसमें उसने बोला तो मैंने बंदर खरीद लिया आपने क्या सोचा आपको क्यों लगा वो अंडो में पैसे बनेंगे मुझे लगा भाई अभी आदमी कह रहा है आप जैसे आदमी था उस, हाँ। आप जिससे आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोला उसने मुझे हाँ। और अच्छा दोस्त था मेरा हाँ। तब तक हाँ। तो मैंने खरीद लिया बंदर और बंदर ने अंडा ही नहीं दिया फिर और फिर मुझे याद है बंदर तो देता ही नहीं। आपका जो सीन है नापी आप, ना मैं तो कह रहा हूँ मुझे बीट नहीं करनी चुना है मैं पर... कहीं नहीं करूंगा भाई। अगर आज के डेट में फॉर एग्जाम्पल तो दस साल बाद कितना ही कम हो जाएगा उसकी वैल्यू अगर मैंने कहीं नहीं डाला मैंने बैंक में सड़ने दिया उसको कितना ही कम हो जाएगी उसकी तो अगर छह परसेंट का इन्फ्लेशन देखे तो कुछ दस बारह साल में उसकी वैल्यू आधा हो जाएगी

जो तो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे फिर वो <laughs> नहीं क्यों भाई नहीं अब यार हरराम जी को मालूम चल गया मैं मर जाऊंगा उनको करोड़ों रुपए मिलेगा थोड़ी नॉमिनी मिलेगा। आपकी जो भी होगी आप मॉम डैड जो भी अच्छा उनको ही मिलेगा आ, फिर सही है वो कराना पड़ेगा उसके बाद अच्छा सुनो आप मुझे अपना बहुत चीजें बोल रहे रहे हो कर एक अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं मैं आपको देता हूँ कुछ पैसे ठीक है लेट मी गिव यू फोर्टी थाउजेंड रुपीज मुझे बताओ ये मान लो कि ये मेरे मंथली इनकम है थाउजेंड रुपीज वेर आई शुड बी पुटिंग हाउ मच मनी ठीक है सबसे पहली बार चालीस हजार रुपए कमाए ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरी मंथली इनकम है ठीक है ठीक है आप मुझे बताओ मैं काउट करना है उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की मम्मी को दे दिया ठीक है अब वो तो अब है कुछ नहीं वो उठाओ उठाओ तो आपके केस में बिकॉज यू आर अर्निंग अ लॉट आप एक दो हजार रूपए का नोट लिखो डालो दूसरा डालो ठीक है इधर एक डालो या आप 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 तो आप, आपके लेवल पे तो उतने ही तीस परसेंट भेजता हूँ तीस परसेंट भेज दो तीस परसेंट डालो यस आप खुद पे कितना खर्चा कर रहे हो खुद पे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं 10% परसेंट कुछ तो अभी खर्च तो रहे हो घर हो गया अच्छा रेंट आ, रेंट और रेंट तो दे रहा हूँ सब मिला दस के परसेंट के पकड़ो दस परसेंट पकड़ो तो कितना हो गया चार हजार चार हजार ठीक है आपके तो बाकी बच ही पैसे भाई रुको रुको हाँ टैक्स टैक्स और एजेंसी वेजेंसी सब मिला के वन थर्ड हो गया दस हजार रुपए बच गए पच्चीस परसेंट बच गया, गया। हाँ पच्चीस परसेंट इन्वेस्ट या सेविंग करना चाहिए आपको आप उससे महीने में एक पार्टी नहीं देंगे क्या कभी पार्टी दो ठीक है पार्टी दे दी

रिवर्स का ठीक है अब बचे मेरे पास तीन हजार रुपए ठीक है छह हजार छह पंद्रह छह हजार रुपए हाँ अब छुपे बचे ना मेरे पास रुक रुको, रुको। इसमें ना एक चीज आप मिस कर रहे हो भाई हाँ उसके बाद क्रिप्टो हो गया वो ये सब तो इन्वेस्टमेंट हो गया नहीं वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है वो वो लॉस ही है बस बट आप हर महीने डालते हो हर महीने दस हजार रुपये जाते ही मेरे उसमें नहीं नहीं अभी भी डाल रहे हो आप तो बोल रहे हो आपको नहीं अभी डाल भी भी रहा हूँ ना मैं क्योंकि आप तो कह रहे हैं सब गिरा हुआ है तभी डालो बट आपको अगर भरोसा ही नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो क्योंकि भाई फोमो हो रहा है ना मेरे को सब कह रहे हैं कि भाई गिरा हुआ है तो मत डालो वो उठा दो अब तो डाल गया ना लेकिन अब मत अब से मत डाल तो लेकिन अभी तक डाला है तो गिनेंगे ना हम अब से मत डाल अभी जो आपने वो सब हो गए ऐप्स के सब्सक्रिप्शन हो गए माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज जो है एक्सेल गूगल गूगल ड्राइव का मैं देता हूँ सिक्स फिफ्टी रुपीज पर मंथ मेरे जो बहुत सारे ऐप है एवर नोट जो, जो मैं अपनी राइटिंग के लिए यूज करता हूँ उसका मैं जो पूरा महीने का पैसा भरता हूँ कितना होता है भाई बहुत होता है तीन हजार चार हजार उससे ज्यादा तो नहीं होगा दस हजार रुपये होता है भाई वी आर पॉन बहुत महंगा है अच्छा तो एक ये हो जाए इधर तो आप इन्वेस्ट वगैरह कैसे करते हो ये इन्वेस्ट कर देता हूँ कुछ बचा ही नहीं मेरे पास फिर बर्बाद भाई, भाई मैं बर्बाद <laughs> तो की थोड़ा मुश्किल है ये सब चीजें <laughs> बिल्कुल भी मुश्किल नहीं मैं बताता हूँ आपको वी आर पॉइंट वी आर पॉइंट सब कुछ करना है ठीक है हाँ। आप अगर पहले से ये बोलो हाँ। कि मैं ये पचास का साइड में रख रहा हूँ इसमें मैं अपनी एस आई पी करूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा एफ डी के अमाउंट बढ़ाऊंगा ताकि दो साल बाद भी मैं बिना कमाए भी अच्छा खासा स्टैंड अप कर सकू, पैशन कर सकू मम्मी को घुमा सकू ठीक है अब ये जो बचने के बाद भी ये जो अमाउंट है उसमें रेंट मम्मी पापा को सब्सक्रिप्शन बाहर जाना गर्लफ्रेंड को गिफ्ट वीआर पॉइंट सब इसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा सब जाने के बाद भी आप ये पचास टका इजिली इन्वेस्ट कर सकते बिकॉज the rate at which your income has gone up versus the rate at which you are spending बहुत बड़ा डिफरेंस है ना आप हाँ। ये समझो हाँ। तो आपका बेनिफिट ही है कि आप कुछ भी अयाशी कर लो एवर नोट राइटिंग कर लो जब जबकि गूगल डॉक फ्री है ये सब टाइम पास करने के बाद भी आप आराम से पैसे सेव कर सकते हो बिकॉज आपकी इनकम ही इतनी ज्यादा है भाई एवर का अच्छा इंटरफेस है भाई वी आर पॉइंट का पे करते वक्त दर्द होता है मजा आता है तो छोटा तो मोटा अमाउंट होगा भाई

नीचर खरीदेंगे क्या जरूरत है

is for the soul Keep one on for the soul and one for the kitchen brother always 50% yeah. like i would really like to uh, put my soul into the kitchen as well but not all brands are very cool like that you know there are some brands that i work with they give me all brands give you more money right they'll give you a lot of money but there are some brands who give you complete creative freedom Guys, jo and and those are the ones that i always put my soul into like i can tell you so i can show you so many videos where they're hilarious

कल को कोई आता है मेरे पास और बोलता है भाई इसमें डाल दे तो मैं जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट दैट पर्सन और बिकॉज आई एम वेरी वेरी गुड फ्रेंड विद दैट पर्सन आई वुड नॉट फॉल इन टू इट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट आई थिंक कि यही है कि आपको यही सोचना है कि मेरे को बस इन्फ्लेशन को बीट करना है इस पैसे को प्रिजर्व करना है और बिना दिमाग लगाए हाँ. एक ऐसी जगह डालना है जो सिक्योर करते रहे yeah. मुझे क्योंकि कई बार मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव इन्वेस्टेड थर्टी परसेंट ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन क्रिप्टो बट हंड्रेड परसेंट ऑफ देर माइंड स्पेस एक्ट जिन भर लगे पड़े हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तो वो भी वर्थ इट नहीं है ना फिर योर रियल थिंग जिससे आप पैसे कमा रहे मनी इज वॉट आईसो रियलाइज की लाइफ में ऐसा तुम्हें मिलेगा दोस्त लोग आएगा जब तुम्हें लगेगा कि भाई इजी मनी बनने वाला है वो हमेशा स्कैम होता है